Good morning, students. Yesterday we had seen about some changes and some ways to change things. हमने कल देखा था कि blacksmith tools कैसे बनाता है, उसमें expansion होता है, contraction होता है, heat करने पे हम उसका desired shape ला सकते हैं. वो सब हमने कल पढ़ा था. Now आज हम activity 7 पढ़ेंगे. उसमें लिखा है कि हमें कैंडल लेनी है, उसे जलाना है, उसके बाद थोड़ी देर उसे जलाए रखना है और जो कैंडल थी उसकी लेंथ मेज़र करनी है, जलाने से पहले और जलाने के बाद. उसमें कोई चेंज नज़र आएगा? यस, वो कैंडल मेल्ट होगी, जिससे यूज्ड अप होगी, जिससे उसकी लेंथ डिक्रीज होगी. और ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये यूज़ हुई है. सेकंड में दिखाया गया है, इन दिस एक्टिविटी हमें दिखाया गया है, एक पैन लेना है, उसमें कैंडल लेना है और उसको मेल्ट करना है. ठीक है, तो ये चेंज रिवर्स हो सकता है क्योंकि इसमें ये हमने सिर्फ मेल्ट की है, हमने इसको यूज़ नहीं किया है. ठीक है, नाउ ये सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है विथ इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, उसको हमें कम्प्लीटली बर्न करनी है, मतलब उसको कम्प्लीटली जलानी है. ठीक है, तो हमें कोई चेंज नज़र आएगा? यस, नज़र आएगा चेंज. क्या होगा? वी गेट सम न्यू मटेरियल लाइक ऐश एंड सम गैसेस. हमें उसमें से राख, जो घर पे अगरबत्ती करते हैं मंदिर में तो देखा होगा, उसमें थोड़ा नीचे पाउडरी फॉर्म रहता है, दैट इज़ कॉल्ड ऐश, एंड सम गैसेस निकलते हैं. वो दिखते नहीं है बट वी कैन स्मेल, दे हैव वेरी गुड स्मेल. सो कैन दिस प्रोसेस बी रिवर्स? नो, दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स. ठीक है, अभी तक हमने सब चेंजेस के बारे में पढ़ा कि क्या चेंजेस आ सकते हैं मटेरियल में, कैसे हम चेंज ला सकते हैं, वो सब पढ़ा. अभी हम पढ़ेंगे कि जब दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो क्या होगा. आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि जब हम सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो कोई चेंज दिखता है? तो यस, वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है. बट कैन इट बी रिवर्स्ड? येस, इट कैन बी रिवर्स, पर हमें सिर्फ सॉल्ट मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा उसमें. कैसे? तो हम चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, बट हमें सॉल्ट वापस मिलेगा, शुगर वापस मिल सकती है, बट हमें वाटर वापस नहीं मिल सकता. सो इट इज़, वी कैन से हाफ वे रिवर्स, नॉट फुल्ली रिवर्स प्रोसेस. ठीक है, इन चैप्टर 4 वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर. डू यू थिंक अ चेंज अकर इन सॉल्ट और इन वाटर? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर एट सॉल्यूशन इन वाटर. सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर कैन बी रिवर्स्ड? ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि ये हाफ वे रिवर्स है, फुल्ली रिवर्स नहीं बोल सकते क्योंकि वाटर हमें वापस नहीं मिलेगा. Now, here is asked by Paheli that if you ever seen curd being set, आपने घर पे कभी मम्मी को दही जमाते हुए देखा है? उसमें करते क्या है हम लोग curd में? We use small quantity of curd, हम थोड़ा सा curd लेते हैं और उसको गर्म दूध में डालते हैं और उसको stir करके एक side रख देते हैं for few hours. और उसके बाद मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, दही में जम जाता है. कैन दिस प्रोसेस बी रिवर्स? नो, दिस कैन नॉट बी रिवर्स. सम प्रोसेस कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट बी. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, इस चैप्टर में हमने कई चीज़ें देखी, बाय हीटिंग, बाय मिक्सिंग, और उसमें से सम चेंजेस हमें मिले, जिसमें से कोई चेंजेस है वो रिवर्स होते हैं और कोई नहीं होते. और ऐसे कई चेंजेस है जो खुद से भी चेंज हो जाती है. देर आर सम फिज़िकल चेंज
सम केमिकल चेंज, ठीक है, और हम हायर स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर, इसमें हमने क्या पढ़ा, सम चेंजेस के बारे में पढ़ा और कौन से रिवर्सिबल है और कौन से नहीं, और हम चेंज कैसे लाएंगे उसके हमने वेज पढ़े, ठीक है। नाउ टुमारो वी विल सी अबाउट द एक्सरसाइज, ठीक है, थैंक यू।